ओम नमः शिवाय। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा शिव पुराण सुनाने वाला हूँ। शिव पुराण को सुनने से भी आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा जितना कि आप शिव पुराण को पढ़ने से प्राप्त होता है। तो हम इस चैनल में शिव पुराण पूरा एकदम पहले अध्याय से स्टार्ट करने वाले हैं। इस श्रावण मास में शिव पुराण की एक अलग ही महिमा है। तो आइए शुरू करते हैं पहला अध्याय। पहला अध्याय, सुत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। इस अध्याय के अंदर सुत जी के द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन किया गया है। तो श्रोताओं से मुझे निवेदन है, पूरा वीडियो ध्यान से सुने, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। श्री सोनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सुत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अंततः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। इस पर श्री सुत जी ने उत्तर दिया, सोनक जी, आप धन्य हैं क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपूर्ण भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिवजी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्य के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त होता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परमधर्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य की पूरी भक्ति एवं स्वयं पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बांचता है या इसका पाठ करता है, वह निसंदेह ही पुण्य आत्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव सर्वसर्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना
चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अंततः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। अब हम दूसरे अध्याय के चलते हैं। दूसरे अध्याय में देवराज को शिवलोक की प्राप्ति कैसे हुई, चंचुला का संसार से वैराग्य कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। श्री सोनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सुत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सुत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सुत जी बोले, सुनो, जो मनुष्य पाप दुराचार तथा काम क्रोध मद लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। यानी कि शिव पुराण को केवल पढ़ने से नहीं, अगर आप सुनने हैं तो सुनने मात्र से भी आप शुद्ध हो जाएंगे तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा है देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है, किरांतों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्लभ, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उससे वैश्यवृत्ति बढ़ती जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यगामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया। उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यम दूतों के चुंगल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बैठाकर जब कैलाश पर्वत ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया। जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले दूतों को धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिव दूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। सोनक जी ने कहा, महाभाग सुत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अंत भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी
कहिए। अब हम तीसरा अध्याय विदुंग ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, सोनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य व वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वास्कल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं, उनका मन दूषित विषयों भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान है कि ज्ञान वैराग्य तथा सत्य धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुक्रम में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहां की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की है। सर्वेक्षाचारिणी पाप में डूबी कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी है। वे सभी सद व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। वहां सभी दुष्टों का निवास है। वास्कल नामक गांव में विदुंग नाम का एक ब्राह्मण था। वह अधर्मी दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु विदुंग वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सर्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यगामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण विदुंग समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिन तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी विदुंग के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सत्या विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह विषयों के विस्फल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य प्रव के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्री व्यभिचार करती है वे मरने के बाद जब यमलोक जाती है, तब यमलोक के दूत उन्हें तरह तरह से यत्रणा देते हैं। वे उनके कामांगों को तप्त लोह दंडों से दागते हैं, तप्त लोह के पुरुष से उनका सत्संग कराते हैं,
ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है, देव ऋषि मनुष्य इसी सभी इसी से बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया। मुझे मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है, मैं निंदा के योग्य हूँ। मेरे बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझ अबला का आप ही उद्धार कीजिए। सुत जी कहते हैं, सोनक, इस प्रकार विलाप करती चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया। चौथा अध्याय सुने, चंचुला की शिव कथा सुनने की रुचि और शिव लोक गमन। ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ, उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है, इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है, इसमें कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और पार्वती का वास होता है। यह शुद्ध आत्मा पुरुष सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, अंत इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए, इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से
दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सुत जी कहते हैं, सोनक, यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया, वे ध्यान में मगन हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक गए। हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवताओं के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन आप धन्य हैं, आप परमादर्शी हैं, आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है उसे सुनकर मेरा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है, कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। सुत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया, वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंद रूप स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात उसका संपूर्ण समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिव गणों से सुभोषित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची, उसके सारे पाप धुल गए, वह दिव्यांगना हो गई। वह गोरागी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट एवं अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग क्रांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नीलचिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनित भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी।
अब हम पांचवा अध्याय विदुम का 50 योनि से उद्धार। सूत जी बोले, सोनक एक दिन चंचुला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्य एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुना और निर्गुना हैं। हे सचिदा नंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली है। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति है। सुत जी कहते हैं, सोनक सदगति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति विदुम इस समय कहाँ है, उनकी कैसी गति हुई है मुझे बताइए, और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी तुम्हारे पति विदुंग बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्य का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अपने अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर 50 की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सुत जी कहते हैं, सोनक गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे यह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति विदुंग शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला ने बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरो को बुलाकर कहा, तुम्बुरो तुम्हारी भगवान शिव के प्रति की प्रीति है, तुम मेरे मन में सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो, तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ, वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में यह पिशाच विदुंग नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वैश्यगामी हो गया। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता
वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहां घोर नरकों में सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण का दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर विदुन नामक पिशाच को विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सुत जी कहते हैं, सोनक, मां उमा का आदेश पाकर गंधर्व राज तुम बुरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य को सराहना करते हुए चंचुला के साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत गया। वहां पहुंचकर उसने विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। महाबली तुम्बुरो ने विदुंग नामक पिशाच को पांसों से बांध दिया। उसके पश्चात तुम्बुरो ने शिव पुराण की कथा बांचने के लिए एक स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बुरो शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने से के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच विदुंग को पासों में बांधकर आसन में बिठाया गया और तब तुम्बुरो ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहले विंध्येश्वर संहिता से लेकर सातवीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर विदुंग अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं ही भगवान शिव का गुणगान करने लगा। इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। विदुंग अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुर की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ विदुंग अपनी पत्नी चंचुला व तुम्बुरो के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर व देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।